तो हाय गाइस, मेरा नाम है मीर मुनिकर। आप देख रहे हो स्पोर्ट्स करते स्पोर्ट्स एकेडमी में आपका स्वागत है। तो भाई साहब, आज हम बात करने वाले बास्केटबॉल के बारे में। स्पेशली अभी 27 तारीख से शुरू होने वाली है फीबा वुमेन्स एशिया कप, जिसमें इंडिया की टीम भी है, इसलिए हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं। पर उससे पहली बात यार, अगर आपको ये बैकग्राउंड में ठाक ठाक की आवाज आ रही हो तो मुझे माफ कर देना। ऊपर हमारे काम चल रहा है और जब मैं शूट करता हूँ तभी इनको काम करना होता है। मैं क्या ही बोलूँ, यही मुझे मौका मिलता है शूट करने का, वरना मतलब यही मेरे सेटअप पर शूट करने का मुझे यही मौका मिलता है। बाकी समय तो सारे मम्मी पापा होते घर पर, इसलिए मैं शूट नहीं कर पाता हूँ, तो इसी में भी ये लोग आ जाते हैं। पर फिर मैं कोशिश करूंगा कि एडिट करते समय कैसे से निकालने की कोशिश करूँ या फिर बैकग्राउंड म्यूजिक चला दूंगा। पर छोड़ो, ये सभी तो इंपॉर्टेंट नहीं, हम बात करते हैं अपने एशिया कप के बारे में। तो देखो यार, इसमें देखो इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है जैसे मैंने बोला, पर मैं आपको थोड़ा इसके बैकग्राउंड हिस्ट्री बता दूँ। 2019 में ना, मतलब जो इंडिया इसमें भी खेली थी, 8 फिनिश किया था इंडिया ने, पर उसमें कैसा होता था, सिर्फ टॉप 8 टीम खेल पाती थी। इसमें सिर्फ टॉप 8 टीम खेलती है, जो एशिया की होती है वही खेल पाती है। तो 2019 में भी वैसे हुआ था, पर इस बार उन्होंने और एक फॉर्मेट अनाउंस किया, जिसमें जैसे ये वाला है उसको कहा जाता कहा जाएगा फीबा एशिया कप डिवीजन ए, और जो भी 7 नवंबर से 13 नवंबर को खेला जाने वाला है उसको क्या क्या कहेंगे डिवीजन बी। मतलब आप कह सकते हो एक सेकंड टायर का कॉम्पिटिशन होगा, जो कि जिनकी रैंक 9 के 16 से बीच में या फिर उनके ऊपर की टीम है वो उनके लिए होगा। तो उससे हमको उतना मतलब नहीं। हम आज बात करने वाले स्पेशली इंडिया के बारे में, क्योंकि अभी इंडिया खेलने वाली है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं यार, मुझे इंडिया के बारे में, बास्केटबॉल के बारे में कुछ नहीं पता। अगर आपने मेरा चैनल देखा होगा तो अभी मेंस का जो बास्केटबॉल के क्वालिफायर्स हुए थे वो हमने देखे थे, उसके ऊपर मैंने वीडियो भी क्रिएट किए थे, तो उसमें मुझे आपने बहुत सपोर्ट किया, उसके लिए थैंक यू यार। तो उसके उससे ही मुझे भी थोड़ा मेंस की नॉलेज हुई है। विमेंस का मुझे याद आ रहा है, हमें डीडी स्पोर्ट्स पे वो हाइलाइट्स दिखाते रहते हैं, जो 2017 में कुछ तो एक हुआ था कंपटीशन, उसके वो बास्केटबॉल का एशिया कप हुआ था उसके बारे में, तो उतना ही मुझे लास्ट देखा है। तो मुझे प्लेयर्स के बारे में इतना पता नहीं, बट हाँ हम देखेंगे तो हमें समझ में आएगा। तो आप भी देखो, अगर आपको पता हो तो मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, जिनको नहीं पता आप देख लो ना। मैं आपको पहले इंडिया की टीम बता देता हूँ। देखो यहाँ पे आपके सारे प्लेयर्स के नाम आ रहे होंगे, मतलब पूरा एक मैं फोटो इधर ऐड कर दूंगा, तो आते हैं इंडिया के प्लेयर्स के नाम, इंडिया का कोच, सारे देख सकते हो यार। और मुझे पता होगा, आपको पता होगा तो भाई कौन अच्छा प्लेयर है, कौन कैसा खेलता है, क्या वो सब, वरना तो हम देख ही लेंगे यार। जैसे मैं एक आध दो मैच देख लूंगा तो मुझे समझ में आ जाएगा। तो ये तो बात हुई यार इंडिया के प्लेयर्स के बारे में। अगर इंडिया के मैचेस की बात करूँ तो इंडिया का मैच पहला मैच होने वाला है 27 सितंबर को होगा, जो कि इंडिया वर्सेस होगा जापान। और देखो अगर सबसे पहले हम तो देखो इंडिया के ग्रुप की बात करें तो उसमें जापान है, कोरिया है और न्यूजीलैंड है। तो जैसे मैंने बोला, और तीनों खतरनाक टीम है। मैंने रैंकिंग चेक की तो जापान की वर्ल्ड रैंकिंग 8 है, और कोरिया की वर्ल्ड रैंकिंग 19 है, न्यूजीलैंड की वर्ल्ड रैंकिंग है 36। तो वो थोड़ी सी हल्की टीम, मतलब हल्की तो नहीं है ऑफकोर्स। अगर हमें एशिया की रैंक करूँ तो जापान की रैंक 2 है, कोरिया की रैंक 4 है और न्यूजीलैंड की रैंक 5 है, जो तो मतलब और हमारी 8 है, हम लास्ट पोजीशन पे एशिया रैंकिंग के मुताबिक। पर हम वर्ल्ड रैंकिंग देखेंगे तो उसमें तो जमीन आसमान का फर्क है, हम 70 रैंकिंग पे हमारी वर्ल्ड रैंकिंग। तो ठीक है, देखते क्या होता है यार, होप करेंगे। पिछले बार हम 8 फिनिश किया था। तो देखो यार, ग्रुप हमें टफ मिला, ऑफ कोर्स टफ मिलेगा ही, बिकॉज अगर आप ज्यादा टीम नहीं है इसमें, डायरेक्ट आपको सेमीफाइनल खेलना पड़ेगा। जो दो टीम जीतेंगी, मतलब जो एक ग्रुप में टॉप 2 फिनिश करेगा वो जाएगा सेमीफाइनल में। अगर मैं सेकंड ग्रुप की बात करूं तो उसमें ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है, चाइनीज फिलीपींस है, ये 4 टीम है। मतलब देखो यार, इंडिया ऑफकोर्स आपको ग्रुप को टफ ही मिलेगा, जब 8 टीमें होती है तो ग्रुप आपको टफ ही मिलता है। यहाँ से क्या इंडिया बाहर निकल सकती है, अगर मैं रैंकिंग के हिसाब से देखूँ, अगर मैं प्लेयर्स के हिसाब से देखूँ तो मुझे तो लगता नहीं है। पर देखो क्या चमत्कार कहाँ पे भी हो सकते हैं, अगर आपको लगता है इंडिया जीत सकती है तो मुझे बताओ कमेंट्स में यार। तो पर्सनली मुझे तो लगता नहीं, पर देखो हम इतना तो कर सकते हैं, जो मतलब देखो जो 4 टीमें आगे जाएंगी, पर जो 4 टीमें बचेंगी वो खेलेंगी 5th to 8th रैंक के लिए खेलेंगी। तो कम से कम उसमें तो हम कहीं तो राइज दिखाए, कम से कम हम 6th रैंक पे आए, कम से कम 7th रैंक पे आए, वो भी हम करेंगे तो बहुत अच्छा होगा यार। तो देखते क्या होता है। तो अगर मैं मैचेस की इंडिया की बात करूँ तो 27 तारीख को इंडिया का पहला मैच है इंडिया वर्सेस जापान, और जापान तो भाई साहब डिफेंडिंग चैंपियन है, जितना मैंने स्टैट अच्छे से दिखा है तो वो 4 टाइम कंजिकेटिव चैंपियन बन चुके हैं इसके। तो भाई साहब उनके सामने खेलना आसानी होगा, बट मैं इतना चाहता हूँ यार कि हमारी इंडियन वुमेन्स टीम, देखो जीतना हारना होता रहता है पर अपना बेस्ट दे, जैसे मेंस की टीम ने दिया था, तो अपना बेस्ट दे। हम कम से कम खराब ना खेले यार, वो टीम अच्छा खेले तो ठीक है, हम भी अच्छा खेले, हमको टफ कंपटीशन दे, वही बहुत बड़ी बात है। तो ये तो बात हुई 27 तारीख के मैच के, 12:30 बजे आपको देखे आप देख सकते हो। और कहाँ पे देखने मैं आपको बताऊंगा, पहले आपको मैच कंप्लीट करूँ। तो मैं 28 तारीख को हमारा मैच होने वाला है कोरिया के साथ, वो भी एक बहुत अच्छी टीम है, उनका फॉर्म थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा है, जितना मैंने देखा था 2019 में भी वो पोडियम उन्होंने फिनिश नहीं किया था, जितना मैंने स्टैट्स पढ़े। और उनको वो सब वो मैच आपको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 3:30 बजे देखने मिलेगा, और ये जो मैं 12:30 वाला बोला वो भी दोपहर के 12:30 बजे होगा, और ये इंडिया वर्सेस कोरिया का दोपहर के 3:30 बजे होगा। फिर जो अगला मैच है हमारा 29 तारीख
को, वो होगा इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड का मैच, वो भी 3:30 बजे आप देख सकते हो। अब ये कहाँ पे देख सकते हो, ऑफकोर्स अगर आप बास्केटबॉल फॉलो करते हो तो आपको पता होगा फीबा एशिया, फीबा का जो चैनल है बास्केटबॉल का उस पर आप देख सकते हो, उसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, उधर आप देख सकते हो। अगर आपको स्कोर के अपडेट्स करना है तो आई थिंक फीबा का कोई ऐप भी होगा तो वो आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर सोफा स्कोर जैसा एप्लीकेशन है वहाँ से आप स्कोर भी देख सकते हो। पर मैं तो चाहूंगा आप यूट्यूब पे देखो यार, और जितना मैंने पिछले बार जो मेंस के मैचेस देखे थे क्वालिफायर्स थे, वो तो भाई साहब क्या ब्रॉडकास्ट हुआ था, बहुत अच्छे से ब्रॉडकास्ट हुआ था, अच्छी कॉमेंट्री, अच्छी क्वालिटी, तो बहुत अच्छे तरीके से ब्रॉडकास्ट किया था, और मुझे लगता है इस बार भी अच्छे तरीके से ब्रॉडकास्ट होगा। मेरा तो बस बोलता हूँ, मेरा तो मन ही जीत लिया उन्होंने, तो यही सब यही है हमारा पूरे इंडिया के और इंडिया के बारे में, मैचेस के बारे में हम कहाँ पे देख सकते हो। और मैं फिर से एक बार कहता हूँ, अगर आपको पता है तो आप मुझे ये भी कर सकते हो, इंस्टाग्राम में आपका हैंडल दे देता हूँ, तो वहाँ पे आप मुझे मतलब एक मैसेज कर देना, आप मुझे हम एक वीडियो कॉल पे बात करेंगे कि क्या है इंडिया के बारे में, कौन कौन से इंडिया के प्लेयर है जो अच्छा करने वाले, बिकॉज मैंने गूगल पे भी सर्च करके देखा तो वहाँ पे मुझे ऐसा जितना कुछ मिला नहीं यार। मैंने देखा करंट इंडियन प्लेयर्स करके भी डाला कि कौन अभी करंट में बहुत अच्छा प्लेयर है, तो भी मुझे कुछ नहीं मिला, बहुत सारे पुराने प्लेयर के नाम आ रहे थे, तो इसलिए मैं आपको कुछ अभी बता नहीं सकता। और हाँ ठीक है, अब ये बहुत सारे लोग कहेंगे तुझे नहीं पता फिर भी क्यों बात कर रहा है, नहीं पता यार, आज नहीं पता, पर एक आध दो साल बाद पता चल जाएगा, ये हम मैचेस देखेंगे, आगे के मैचेस देखेंगे। जैसे मैंने मुझे मेंस का भी कुछ पता नहीं था, बट अब मुझे कम से कम प्लेयर्स के नाम पता चल चुके हैं, कौन क्या करता है कौन क्या नहीं करता है, तो वो भी पता चल चुका है। तो वैसे हम विमेंस के मैचेस देखेंगे तो उसके बारे में पता चल जाएगा। एंड या एंड यार मुझे जो अलग अलग स्पोर्ट्स करने में बहुत मजा आता है, जैसे बास्केटबॉल हो गया, हम बैडमिंटन करते हैं, कबड्डी करते हैं, तो सारी चीज़ें करने मजा आता है यार। तो बस यार इतना रहता है आज वीडियो के लिए, अगर आपको वीडियो चले वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ ये वाली वीडियो आप पक्का शेयर करो यार अपने दोस्तों के अराउंड, जो बास्केटबॉल देखता है नहीं देखता है प्लीज़ शेयर करो वीडियो, उनको भी समझ में आना चाहिए। और जैसे मैंने बोला 27-28 तीन दिन हमारे मैच है, वो सारा शेड्यूल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा। तो बस यार आज वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए पीस आउट।